हाय ऑल। सो लास्ट क्लास में हमने देखा था ब्लॉब स्टोरेज कैसे क्या क्रिएट करते हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं कि डेटा लेक कैसे क्रिएट करते हैं। और डिफरेंस मैंने लास्ट क्लास में ही बता दिया था कि डेटा लेक और ब्लॉब स्टोरेज में क्या डिफरेंस है, बट स्टिल फिर से मैं आपको बता दूंगा क्या डिफरेंस है। तो आपको डेटा लेक भी क्रिएट करने के लिए आपको स्टोरेज अकाउंट में जाना पड़ेगा। ठीक है, दोनों चीज़ें अपन स्टोरेज अकाउंट में ही क्रिएट कर सकते हैं, चाहे आप ब्लॉब क्रिएट कर लो या फिर आप डेटा लेक क्रिएट करो। तो सिंपल आप क्रिएट बटन पर क्लिक करो। जैसे ही आप क्रिएट बटन पर क्लिक करोगे तो आपको कुछ डिटेल्स वगैरह फिल करनी पड़ेगी, जैसे कि हमने ब्लॉब स्टोरेज क्रिएट करा था। प्रोसेस सेम है, सब्सक्रिप्शन फ्री ट्रायल है और रिसोर्स ग्रुप मैं चेंज कर लेता हूँ। आप चाहो तो एक नया रिसोर्स ग्रुप भी आप क्रिएट कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपसे स्टोरेज अकाउंट का नाम पूछ रहा है, तो मैं नाम दे देता हूँ ADLS Azure Data Lake Storage Gen 2। ठीक है, और ये ग्लोबली यूनिक होना चाहिए। देखो इट्स ऑलरेडी बीन टेकन, तो मेरे को कुछ अलग नाम देना पड़ेगा। सो Gen 2 मैं अपना नाम दे YT लिख देता हूँ। ठीक है, चलो ये ग्लोबली यूनिक है। और रीज़न आप सेलेक्ट कर लेना, जो भी आपके नियरेस्ट रीज़न है। ठीक है, सो साउथ इंडिया है मेरी नियरेस्ट, बट स्टिल मैं चाहता हूँ सेंट्रल इंडिया सेलेक्ट करना। सो मैं सेंट्रल इंडिया सेलेक्ट कर लूँगा। ओके, एंड देन परफॉर्मेंस मेरी स्टैंडर्ड ही रहेगी। और रिडंडेंसी में LRS सेलेक्ट करूँगा। LRS क्यों सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था। अगर नहीं देखा आपने प्रीवियस वीडियो तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। ठीक है, LRS स्टैंडर्ड कम कॉस्ट लगेगी। ओके, नेक्स्ट पे क्लिक करो। एडवांस में यहाँ पे आपको मिलेगा डिफरेंस। तो देखो ये मेन चीज़ है, हायरार्किकल नेम स्पेस। अगर इस चेकबॉक्स पर आप क्लिक करोगे ना, तो ये आपकी बन जाएगी डेटा लेक। ठीक है, तो इस पर आप क्लिक करो। जैसे ही आप क्लिक कर रहे हो, देखो ये सारी ऑप्शन डिजेबल हो जा रही है। ठीक है, ओके, एंड ब्लॉब स्टोरेज में आपको एक्सेस टीयर हॉट ही होगी। देन क्लिक करो नेक्स्ट पे। नेटवर्किंग में मैं चाहता हूँ पब्लिकली एक्सेस हो। ओके कूल, एंड राउटिंग भी हमारी माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क राउटिंग हो। नेक्स्ट पे क्लिक करो। इंक्रिप्शन में, इंक्रिप्शन में सॉफ्ट डिलीट फॉर 7 डेज, आप इसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। ठीक है, और वर्सनिंग देखो ये डिजेबल हो गई है। जब अपन क्रिएट कर रहे थे ब्लॉब स्टोरेज, उस वक्त वर्सनिंग थी इनेबल, बट जब भी आप डेटा लेक क्रिएट करते हैं ना, तो उस वक्त वर्सनिंग डिजेबल हो जाती है। ठीक है, एक ही साथ आप दोनों चीज़ इनेबल नहीं कर सकते हो। अगर आप एक डेटा लेक क्रिएट कर रहे हो ना, तो आप वर्सनिंग नहीं इनेबल कर सकते, ये डिजेबल हो जाएगी। ठीक है, और देखो यहाँ पे आई गेस लिखी भी हुई है, ब्लॉब चेंज एंड हायरार्किकल नेम स्पेस कैन नॉट बी इनेबल साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो आप दोनों एक साथ यूज़ नहीं कर सकते हो। आप इसको यूज़ कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ ब्लॉब स्टोरेज के केस में। अब चूँकि हमने क्रिएट कर लिया डेटा लेक, इस वजह से हम इसको इनेबल नहीं कर सकते। सो वर्सनिंग याद रखना सिर्फ और सिर्फ ब्लॉब स्टोरेज के केस में होता है। कूल, नाउ अगेन आप क्लिक करो इनक्रिप्शन पे। यहाँ पे मैं बाय डिफॉल्ट रहने देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई कस्टमर मैनेज इनक्रिप्शन की नहीं है, तो माइक्रोसॉफ्ट वाले खुद ही इसको इनक्रिप्ट कर लेंगे। हमारा डेटा सिक्योर है, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, नेक्स्ट टैग पर क्लिक करो। टैग पर मैं यहाँ पर टैग दे देना चाहता हूँ। सो सर्विस हो जाएगी हमारा ये ADLS। ठीक है, और ऑथर, ऑथर का नाम दे देता हूँ। आप कोई और टैग भी क्रिएट कर सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। कौन टैग का नाम आप क्या देना चाहते हो। ओके, नाउ आप नेक्स्ट रिव्यू पे क्लिक करो। एंड ये वैलिडेट करिए कोई इशू तो नहीं है वाइल क्रिएशन ऑफ दिस स्टोरेज अकाउंट, तो मेरी कोई इशू नहीं है। अब मैं क्रिएट कर सकता हूँ। क्रिएट बटन पे आप सिंपली क्लिक करो। तो विदिन अ मिनट ये आपकी स्टोरेज अकाउंट क्रिएट हो जाएगी। सो अभी डिप्लॉयमेंट में, अभी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, डिप्लॉयमेंट इज़ इन प्रोग्रेस। ओके, एंड आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये सारे के सारे जो भी रिसेंट एक्टिविटी आपने परफॉर्म कराया, वो सारे के सारे एक्टिविटी यहाँ पे देखने आपको मिल जाएगी। ठीक है, मैं इसको क्लोज करता हूँ। एंड इस ओवरव्यू टैब में सेम सिमिलरली जैसे कि हमने ब्लॉब स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करा था, डिप्लॉयमेंट नेम आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा, स्टार्ट टाइम कब हमने स्टार्ट किया था, डेट एंड टाइम दोनों चीज़ देखने को मिल रही है, सब्सक्रिप्शन फ्री ट्रायल है, रिसोर्स ग्रुप कौन से रिसोर्स ग्रुप में हमने ये रिसोर्स को डाल रखा है। देखो ये रिसोर्स विद इन अ मिनट क्रिएट होगी। ठीक है, सो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो गो टू रिसोर्स, या तो यहाँ क्लिक करो, या तो यहाँ क्लिक करो, कहीं पर भी आप क्लिक कर सकते हो। सेम चीज़ जो चीज़ हमने देखा है ब्लॉब स्टोरेज में, सेम चीज़ यहाँ पे देखो, आपको रिसोर्स ग्रुप है, सब्सक्रिप्शन का क्या नाम है, सब्सक्रिप्शन ID भी देख रही है, देखने को मिल रही है, परफॉर्मेंस क्या है, स्टैंडर्ड है, कब क्रिएट किया था आपने, वो भी चीज़ दिख रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हायरार्किकल नेम स्पेस इनेबल्ड है। लास्ट टाइम हमने देखा था डिजेबल थी, अब यहाँ पे इनेबल है क्योंकि हमने इनेबल कर रखा है। ठीक है, एक्सेस टीयर यहाँ पे हॉट है, और ब्लॉब एनोनिमस एक्सेस डिजेबल है, इट्स नॉट अ बिग डील, अपन प्राइवेट ही क्रिएट करेंगे। और ये सॉफ्ट डिलीट 7 डेज तक है, आप उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। ठीक है, चलो अब यहाँ पे अगेन आपको कंटेनर में आना है। ठीक है,
कंटेनर बना के अब टैग वगैरह आप चेक कर सकते हो, वही टैग आपको देखने को मिल जाएगी। तो देखो यहाँ पे मैं कंटेनर क्रिएट कर रहा हूँ विद द सेम नेम ब्रांच, ठीक है। क्रिएट बटन भी क्लिक करो, ये आपकी एक कंटेनर क्रिएट हो जाएगी। अब इस कंटेनर के अंदर अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे देखो ऐड डायरेक्टरी, देखा आपने ये ऑप्शन मिसिंग था ब्लॉब स्टोरेज के केस में, बट यहाँ पे ये ऑप्शन इनेबल है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, अलग अलग डायरेक्टरी क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ब्रांच के अंदर भी मैं, ठीक है, डायरेक्टरी क्रिएट कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल रॉ डेटा के नाम से मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ, ठीक है। तो मेरी एक डायरेक्टरी क्रिएट हो गई, देखो बिल्कुल विंडोज़ की तरह आप एन नंबर ऑफ डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोसेस्ड डेटा के नाम से मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ, और इस डायरेक्टरी के अंदर आप अपने फाइल को स्टोर कर सकते हो। आप चाहो तो सब डायरेक्टरी भी क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल इससे मैं टेस्ट वन के नाम से क्रिएट करता हूँ सब डायरेक्टरी, और उस सब डायरेक्टरी के अंदर आप चाहो तो फाइल स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो आप देख रहे हो, तो मैं वापस आ जाता हूँ रॉ डेटा, यहाँ पे मैं अपने फाइल को अपलोड करना चाहता हूँ। तो सिंपल आप अपलोड बटन भी क्लिक करो, कोई सा भी फाइल को आप स्टोर कर सकते हो, ठीक है। डेटा लेक में अपन जानते हैं कि सारे टाइप की फाइल स्टोर हो सकते हैं, चाहे वो आपकी स्ट्रक्चर्ड डेटा हो, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हो, या सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा हो, किसी भी टाइप के फाइल को आप स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले अपन अनस्ट्रक्चर्ड ही देखते हैं, ठीक है। एक इमेज को मैं अपलोड करता हूँ, सिंपल आप अपलोड बटन पर क्लिक करो। अगर ये फाइल आपकी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो ओवरराइड पे आप क्लिक कर सकते हो, बट मैं तो पहली बार अपलोड कर रहा हूँ। तो देखो मेरी ये फाइल अपलोड हो गई। सिमिलरली आप टेक्स्ट फाइल, जेसन फाइल, पाके फाइल, एब्रो फाइल, ओसीआर फाइल, कोई भी टाइप की फाइल को आप अपलोड कर सकते हो। सो ये प्रोसेस थी कैसे कि आप एक डेटा लेक क्रिएट कर सकते हो, डेटा लेक में कंटेनर क्रिएट कर सकते हो, कंटेनर के अंदर डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हो, डायरेक्टरी के अंदर फाइल अपलोड कर सकते हो, और ये डायरेक्टरी आप ब्लॉब स्टोरेज में क्रिएट नहीं कर सकते, और वर्जनिंग आप यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है, साइमल्टेनियसली। सो ये कुछ डिफरेंस थी ब्लॉब स्टोरेज और आपकी डेटा लेक के अंदर। सो इस वीडियो में बस इतना ही था।